दोस्तों, अगर आप भी मेरी तरह आयरन मैन के बहुत बड़े फैन हो तो ये मूवी सिर्फ आपके लिए है। हेलो दोस्तों, तो लीजिए, मैं आ गई हूँ आप लोगों के लिए एक प्यारी सी मूवी को लेकर। हाँ, तो लीजिए शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। फिल्म की शुरुआत में एक एनिमल डॉक्टर डोलिटल को दिखाया जाता है, जो कि हमारे प्यारे आयरन मैन है। डोलिटल एनिमल्स की बातों को समझ सकता है। वो एनिमल से बहुत प्यार करते हैं और उनकी देखभाल भी करते हैं। जब रानी को डोलिटल के बारे में पता चलता है तो वो डोलिटल को अपने पेट के ट्रीटमेंट के लिए बुलाती है। डोलिटल के काम से खुश होकर रानी उसे एक प्रॉपर्टी तोहफे में देती है, ताकि डोलिटल वहाँ अपने एनिमल्स के साथ आराम से रह सके और अच्छे से उनकी देखभाल कर सके। डोलिटल लिली से बहुत प्यार करता है। लिली एक एक्सप्लोरर है। लिली दुनिया के हर एक कोने तक जाना चाहती है। डोलिटल भी उसकी जर्नी में उसके साथ जाता है। रास्ते में वो बहुत सारे एनिमल्स की हेल्प भी करता है। डोलिटल और लिली एक दूसरे से शादी कर लेते हैं, पर कुछ टाइम बाद एक समुद्री तूफान की वजह से लिली की मौत हो जाती है। डोलिटल इस बात से इतना दुखी हो जाता है कि वो पूरी दुनिया से अपने सारे नाते रिश्ते तोड़ देता है और रानी की दी हुई प्रॉपर्टी में अपने एनिमल्स के साथ रहने लगता है। फिर सीन एक बॉय टॉमी पर शिफ्ट होता है। टॉमी एक हंटर का बेटा है। टॉमी एक दिन अपने पिता के साथ हंटिंग के लिए जाता है, पर उसे एनिमल्स बहुत पसंद होते हैं। वो उन्हें नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता, पर गलती से वो एक गिलहरी को शूट कर देता है, जिससे गिलहरी को चोट लग जाती है। ये देखकर टॉमी बहुत परेशान हो जाता है, पर तभी वहाँ पॉली नाम का तोता आकर टॉमी को डोलिटल के बारे में बताता है। वो उसे बताता है कि गिलहरी को डोलिटल बचा सकता है। पॉली उसे डोलिटल के पास ले जाता है। वहाँ टॉमी को डोलिटल का बहुत ही सुंदर घर दिखाई देता है, जहाँ बहुत सारे प्यारे प्यारे एनिमल्स होते हैं। पर अचानक से टॉमी एक जाल में फंस जाता है। तभी डोलिटल को दिखाया जाता है। डोलिटल अपने एनिमल फ्रेंड के साथ खेल रहा होता है। चीची नाम का गोरिल्ला डोलिटल के साथ चेस खेल रहा होता है और छोटे छोटे माउस चेस में सोल्जर, किंग, क्वीन बने हुए होते हैं। तभी वहाँ पॉली आता है और डोलिटल को टॉमी के बारे में बताता है और डोलिटल को उसकी मदद करने को कहता है। पर डोलिटल टॉमी को देखकर घबरा जाता है, क्योंकि उसने बहुत सालों के बाद इंसान को देखा था। सभी जानवर उसे शांत होने को कहते हैं, पर डोलिटल शांत नहीं होता। दूसरी तरफ एक लड़की टॉमी के पास आती है, जिसका नाम रोजी होता है और वो रानी की बेटी है। वो बहुत ही खूबसूरत होती है और वो टॉमी को जाल से छुड़ा लेती है। अब वो दोनों डोलिटल के घर पहुंच जाते हैं। टॉमी और रोज के लिए दरवाजा गोरिल्ला खोलता है, जिसे देखकर टॉमी डर जाता है। रोज डोलिटल को रानी के बीमार होने की बात बताती है और बताती है कि रानी ने डोलिटल को उनके इलाज के लिए महल में बुलाया है, पर डोलिटल उसकी बातों पर ध्यान नहीं देता। तभी टॉमी गिलहरी को लेकर वहाँ आ जाता है। डोलिटल गिलहरी को इस हाल में देखकर खुद को रोक नहीं पाता और उसके इलाज में लग जाता है। उसके इलाज के बाद रोज डोलिटल को बताती है कि अगर रानी मर गई तो ये घर और सारी प्रॉपर्टी को उसे छोड़ना होगा। ये सुनकर सभी एनिमल्स डोलिटल को रानी के पास जाने के लिए कन्विंस करने लगते हैं और उसे वहाँ जाने के लिए तैयार भी करते हैं। फिर डोलिटल अपनी टीम, टॉमी और रोज के साथ महल के लिए निकल जाता है। वहाँ पहुंचकर उसे पता चलता है कि रानी को किसी ने जहर दिया है और इस जहर का इलाज एक जादुई फल ईडन है, जिसे हासिल करना आसान नहीं है। पर डोलिटल कहता है कि मैं अपनी टीम के साथ मिलकर उस जादुई फल को ढूंढ कर लेकर आऊंगा। यहाँ टॉमी भी उसके साथ जाने की बात करता है, पर डोलिटल उसे साथ आने से मना कर देता है और उसे घर जाने को कहता है। घर पे टॉमी बहुत उदास होता है, लेकिन तभी पॉली और जिराफ वहाँ आते हैं। पॉली जानता है कि टॉमी एक अच्छा इंसान है और उसे भी एनिमल्स बहुत पसंद है, तो पॉली और जिराफ टॉमी को घर से भगाकर डोलिटल के पास ले जाते हैं। पर डोलिटल ये देखकर पॉली से नाराज हो जाता है कि उसके मना करने के बावजूद भी पॉली टॉमी को यहाँ लेकर आया। पर पॉली डोलिटल को समझाता है कि तुम काफी समय से इंसानों से दूर रहे हो, पर अब तुम्हें किसी अच्छे दोस्त की जरूरत है। वहीं दूसरी ओर रानी के दुश्मन ये सोच रहे होते हैं कि अब रानी और कितने दिन जिंदा रहेगी। अब समुद्र में डोलिटल की शिप पर रानी का दुश्मन मडफ्लाई अटैक कर देता है। उससे बचने के लिए डोलिटल पानी के एनिमल से मदद मांगता है, जिसमें एक बड़ी सी वेल उसकी मदद करती है और टॉमी भी डोलिटल की बहुत मदद करता है। और वेल की मदद की वजह से डोलिटल की शिप बहुत तेजी से आगे बढ़ने लगती है और मडफ्लाई की शिप बहुत पीछे रह जाती है, जिसे देखकर मडफ्लाई हैरान हो जाता है कि एक वेल ने कैसे डोलिटल की मदद
रखी और डूलिटल उससे बात कर सकता है। फिर रात में डूलिटल टॉमी को लिली के बारे में बताता है और उसे बताता है कि लिली की मौत भी इसी एक्सप्लोरर के कारण हुई थी, वो भी उसी जादुई फल ईडन को ढूंढने निकली थी। और हमें ईडन ट्री तक पहुँचने के लिए लिली की बुक को ढूंढना होगा, वही हमें आगे का रास्ता बता सकती है। और उसकी बुक के लिए हमें लिली के आइलैंड पर जाना होगा और वहाँ पर जाना बहुत खतरनाक है। अब डूलिटल और टॉमी लिली के आइलैंड पर पहुँच जाते हैं। वहाँ पर चींटियाँ हेल्प करती है डूलिटल की और डूलिटल बदले में उन्हें 2 शुगर क्यूब्स देता है। अब आगे के रास्ते में लोहे की सलाखें लगी होती है जिसमें डूलिटल नहीं जा सकता था, तो टॉमी वहाँ जाने का डिसाइड करता है। टॉमी किसी तरह लिली के फादर के रूम में पहुँच जाता है। वहाँ पर लायन और टाइगर सो रहे होते हैं। टॉमी बुक को उठा लेता है पर तभी वो पकड़ा जाता है और डूलिटल को भी पकड़ लिया जाता है। उन दोनों को जेल में डाल देते हैं क्योंकि लिली के फादर डूलिटल से बहुत नाराज थे। उनका मानना था कि डूलिटल की वजह से उन्होंने अपनी बेटी लिली को खो दिया और गुस्से में वो डूलिटल पर एक टाइगर को छोड़ देते हैं और टॉमी को अपने साथ बाहर ले आते हैं। तभी टॉमी एक मॉस्किटो के पास एक मैसेज देता है जो कि शिप पर रुके सभी एनिमल्स के लिए था कि डूलिटल को पकड़ लिया गया है और उससे उनकी हेल्प की जरूरत है। वहीं टाइगर डूलिटल पर हमला कर देता है क्योंकि डूलिटल उसका आधा इलाज करके चला गया था, तो वो डूलिटल से बहुत गुस्सा था। डूलिटल उससे बचने की पूरी कोशिश करता है, तभी उसके सारे एनिमल फ्रेंड्स भी वहाँ पर आ जाते हैं और चीची गोरिल्ला टाइगर पर हमला बोल देता है। डूलिटल टॉमी और उसके सारे दोस्त वहाँ से बुक लेके बाहर निकल जाते हैं पर बीच में ही आकर मडफ्लाई उनसे उस बुक को छीन लेता है क्योंकि ईडन फ्रूट के बारे में वो भी जानना चाहता था और वो डूलिटल की शिप को भी बर्बाद कर देता है। अब डूलिटल के पास कोई उम्मीद नहीं बची थी क्योंकि वो बुक और अपनी शिप को खो चुका था, पर ये सब बातें लिली के फादर सुन लेते हैं और अब वो डूलिटल को छोड़ देते हैं और उससे एक शिप भी देते हैं ताकि डूलिटल लिली का अधूरा सपना पूरा कर सके। अब डूलिटल और उसके दोस्त मडफ्लाई का पीछा करते हैं और वो लोग आइलैंड पर पहुंच जाते हैं जहां उन्हें ईडन ट्री मिलने वाला था। वो लोग एक गुफा के अंदर आ जाते हैं। वहां मडफ्लाई उनके सामने आ जाता है और वो डूलिटल से ईडन ट्री के बारे में पूछता है, पर डूलिटल उससे कहता है कि मुझे पता नहीं है कि ईडन ट्री कहां है। उसकी बात सुनकर मडफ्लाई गुस्सा हो जाता है और जमीन पर जोर से वार करता है जिससे ईडन ट्री पर बैठी ड्रैगन जाग जाती है और वो उन पर आग की बारिश करने लगती है। अब वो ड्रैगन डूलिटल पर भी हमला करने वाली होती है, तभी डूलिटल उससे बात करने लगता है पर वो ड्रैगन अभी भी उसे मारने के लिए तैयार होती है। तब डूलिटल उसे लिली के बारे में बताता है और रानी के बारे में भी बताता है। वो उससे कहता है कि मुझे पता है तुमने भी मेरी तरह अपना पार्टनर खो दिया है क्योंकि वहाँ पर एक और ड्रैगन के अवशेष पड़े होते हैं, पर डूलिटल उस ड्रैगन की मदद करना चाहता था। वो उससे कहता है कि तुम्हें इलाज की जरूरत है वरना तुम भी इस गर्मी की वजह से मर जाओगी। अब डूलिटल और उसके दोस्त मिलकर उस ड्रैगन का इलाज करते हैं और वो ठीक हो जाती है। अब वो डूलिटल को ईडन ट्री के पास ले जाती है। डूलिटल ईडन ट्री से एक फ्रूट ले लेता है और लिली की रिंग जो उसके पास थी उसे ईडन ट्री के नीचे रख देता है और वापिस रानी के पास आने के लिए निकल पड़ता है। पर महल में सारे सिपाही उन्हें पकड़ने के लिए तैयार बैठे थे। किसी तरह टॉमी बचता बचाता फ्रूट को लेकर रानी के पास पहुंच जाता है और उन्हें फ्रूट की 1-2 ड्रॉप्स पिला देता है। अब रानी ठीक हो जाती है। डूलिटल अपने एनिमल फ्रेंड गिलहरी से पूछता है कि यहाँ पर क्या हुआ था। तब वो डूलिटल को उस आदमी के बारे में बताती है जिसने रानी को जहर दिया था और डूलिटल ये सारी बातें रानी को बता देता है, जिसके बाद रानी उसे अरेस्ट करवा देती है और डूलिटल को शुक्रिया भी कहती है। डूलिटल अपने सारे दोस्तों के साथ अपने घर लौट जाता है। अब उसे इंसानों से कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो अपना हॉस्पिटल भी ओपन कर देता है और उसने टॉमी को भी अपने साथ रहने की परमिशन दे दी होती है, जिसके बाद वो सब मिलकर बीमार एनिमल्स की हेल्प करते हैं। और इसी के साथ ये प्यारी सी मूवी एंड हो जाती है। दोस्तों, अगर आपको ये प्यारी सी मूवी अच्छी लगी हो तो प्लीज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो को लाइक करें और साथ ही बेल आइकन को भी दबाएं ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिले। थैंक्स फॉर वॉचिंग।